सो हे गाइस, वेलकम बैक टू द अनदर ब्लॉग ऑफ महेश फार्म। आप सभी का स्वागत है। जय श्री महाकाल, जय श्री राम सभी को भाई भाई। और आज जो है वो छोटा सा एक फार्म अपडेट देने वाला हूँ। फार्म अपडेट के साथ आप मेरे पीछे जो देख रहे हैं, ये पूरा प्लॉट लगभग 2 से 2.5 एकड़, ये पूरे प्लॉट पे मैंने गेहूं की खेती कर दी है, तो उसके बारे में भी बताऊंगा। गेहूं की खेती से क्या बेनिफिट होगा, हमारे डेयरी के पर्पज से भी बेनिफिट होगा, और वैसे भी अगर मतलब प्लॉट भी था, डैम के नज़दीक भी था, तो सिंचाई करने के लिए बहुत ज़्यादा अच्छा ऑप्शन रहता है गेहूं की खेती, और उसके लिए कर रहे हैं। और गेहूं का रेट भी अच्छा खासा अभी है। जब हार्वेस्टिंग होगा गेहूं का तब पता नहीं रेट कैसा होगा, लेकिन अभी तो रेट काफ़ी अच्छा है। तो चलिए बैक कैमरा करके आपको दिखलाता हूँ कि गेहूं की खेती, और फार्म से जस्ट नज़दीक का ही है प्लॉट, तो आप जरूर कमेंट सेक्शन में बताइएगा कि गेहूं से बहुत सारे बेनिफिट्स भी होंगे, और क्या क्या ये मैंने सही किया और कैसे तरीके से मैंने गेहूं की खेती की है। यूजुअली आप सब लोग जानते होंगे गेहूं की खेती करना और बहुत ईजी होता है, तो कम मेहनत में अच्छा मतलब है, उसका चारा भी हमको बहुत ज़्यादा काम आ जाएगा उसका दर्रा बनाने के लिए, और वो भूसा जो है वो भूसा गेहूं का वो भी हमारी बछिया या फिर जो प्रेग्नेंट गाइस है उनको भी खिलाने के लिए काम आ जाएगा अगर हम उसके लिए अप्लाई करेंगे। तो गाइस ये है पूरा प्लॉट और ये हमारा फार्म है। ये देखिए हमारा फार्म यहाँ पर आपको दिख रहा होगा, फार्म हमारे यहाँ पर है। ये रोड है, ऐसे फार्म के लिए जाता है कच्चा रोड, और ये है पूरा प्लॉट। तो ये प्लॉट आप देख सकते हैं पूरा घेरा हुआ है, कोई दिक्कत नहीं है। इस पर अराउंड आप देख रहे होंगे यहाँ पे हम लोग ने लाइन से सिंचाई करने के लिए सिस्टमेटिक तरीके से कर दिया, क्योंकि काफ़ी ज़्यादा प्लॉट है, एक लेवल का है, तो कहीं तक पानी पहुँच भी सकता है नहीं भी पहुँच सकता है। इसके लिए सिंचाई करने के लिए हम लोगों ने ये वाला और वो वाला दोनों पार्ट को मतलब इस तरीके से मतलब डिवाइड डिवाइड कर दिया है। ऐसा बहुत लोग करते हैं, आप सब जानते होंगे, किसान भाई हैं आप सब तो, लेकिन मेरे को दिखाने का पर्पस ये है कि मैंने यहाँ पर खेती करके और यहाँ पर मतलब गेहूँ करने का मेरा पर्पस ये था कि लगभग 2 से 2.5 एकड़ के लगभग ये पूरा प्लॉट है, 2 एकड़ से तो ऊपर का ही है। तो इस पूरे प्लॉट में जो है अपने को गेहूँ की खेती हम लोगों ने की है। कुछ वहाँ पर वो जो बाउंड्री है उसके अंदर हम लोगों ने सरसों की भी खेती की है, वो अराउंड 3-4 कट्ठा है, तो 3-4 कट्ठा सरसों मतलब ऐसे ही वो था, तो उसमें हम लोगों ने डाल दिया। ये मैंने किया है और इस पर लगभग अच्छा खासा भूसा हमको मिलेगा। अराउंड 6 मंथ तक हम अपनी बच्चियों को बहुत आराम से वो भूसा खिला सकते हैं, और उससे हमारा जो कुट्टी का कॉस्ट आ रहा है वो कम आएगा, क्योंकि मैंने देखा बिहार पंजाब और ऐसे कई सारे जगहों पे गेहूं का भूसा गायों को खिलाया जाता है। मैं भी ट्राई करके देखता हूँ, अगर एक साथ नहीं दिया जाता कभी भी, अगर गेहूं का भूसा या फिर आपकी गाय कभी धान का कुट्टी जो खा रही है वो खा रही है, उसके बाद आप गेहूं का भूसा एकदम से कर देंगे तो कई ज़्यादा लॉस भी हो जाता है, मतलब गायों का पतला गोबर आने लगेगा, और अगर आप मिल्किंग गाय को देंगे तो दूध भी कम हो जाएगा। तो एक साथ कभी भी डाइवर्ट नहीं करना चाहिए, या फिर कोई भी फीड या कोई भी दाना एक साथ डाइवर्ट नहीं करना चाहिए, ये मैं आप लोगों को कहूँगा। थोड़ा थोड़ा दे, आधा वो दे, पहले तो 25% जो है गेहूं का भूसा और कुट्टी दे, उसके बाद आप जो भी चेंज कर रहे हैं उसको 25, 30, 40, 50 इस तरीके करके उसके बाद चेंज करिए, आधा आधा करके करिए, तो इससे आपकी गाय का मिल्क भी कम नहीं होगा, वो धीरे से उस फीड में उस भूसे में एडजस्ट भी हो जाएगी, और अभी नया कुट्टी भी आया है तो इन सारी चीज़ों का भी ध्यान रखेंगे, और ये चीज़ें ध्यान में रखेंगे तो ही आपका अच्छा सा सिस्टमेटिक तरीके से आप भूसा यूज़ कर सकते हैं। 6 महीना आप कुट्टी यूज़ करिए, 6 महीना आप गेहूं का भूसा यूज़ करिए, या फिर आप जैसा भी यूज़ करना चाहते हैं कर सकते हैं, बस सिस्टम ऐसा होना चाहिए कि आपको इस तरह से करना है। तो ये है अपना फार्म का साइड का व्यू। आज मैंने सोचा कि आप लोगों को ये सारी चीज़ें बता दूँ, और अभी अराउंड गेहूँ का जो रेट है वो 26 रुपये KG का चल रहा है, और इस पर मैंने श्रीराम और सेजेंटा दो अच्छी कंपनियों का और महंगे सीड्स इसमें यूज़ किए हैं। श्रीराम का मेरे को 65 रुपीज़ KG पड़ा है, मतलब 65 रुपये KG, और सेजेंटा का मेरे को 60 रुपये पड़ा है। इन सब का रेट अलग अलग हो सकता है, मेरे को 65 में यहाँ पे पड़ा है थोड़ा सा। लगभग इस 2 से 2.5 एकड़ में मैंने 100 किलो गेहूँ जो है बोया है, 100 किलो, तो टोटल 100 KG मैंने इसलिए बोया क्योंकि मेरे को डाउट था कि अगर कम हो जाएगा तो काफ़ी ज़्यादा दिक्कत होगा, क्योंकि इसमें अच्छा खासा कॉस्ट भी लग गया है, और कॉस्ट लगने के बाद मतलब लेबर का भी चार्ज लगा, और जुताई का भी अच्छा खासा कॉस्ट लग गया, और ये वजह से, और सिंचाई में भी कॉस्ट जाएगा। इसके लिए मैंने ना इसमें ज़रा सा भी नहीं सोचा, और अच्छा सीड मतलब यूज़ किया है श्रीराम का और सेजेंटा का। सेजेंटा एक
कंपनी है जो आप जानते होंगे टमाटर की बहुत सारी गुणवत्ता और बहुत सारी उच्च लेवल के जो अच्छे अच्छे टमाटर्स की नस्लें वो टमाटर की मतलब सीड्स सेजेंटा के पास होती है। सेजेंटा बहुत सारी वेजिटेबल सीड्स भी बनाती है और मतलब प्रोवाइड कराती है, तो काफ़ी अच्छा है। मेरे को बहुत बिलीव था सेजेंटा पे, इसके लिए मैंने उसको यूज़ किया है। अब इसके बाद हो सकता है गेहूँ की कटाई के बाद इस पर कुछ वेजिटेबल्स वगैरह का भी खेती हो, पर फिलहाल के लिए यही है अपडेट यहाँ का। अब आगे बढ़ते हैं और आगे आपको फार्म का कुछ दिखलाता हूँ। वो हमारा फार्म है, पहले वो भी देख लीजिए गाइस। वहाँ देखिए, यहाँ से फार्म है, ये रोड है। When I'm facing down, I fight. Even when I don't know what is right, I'ma pick a side and I'ma take pride. I will decide my fate.